आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर आज करेंगे अयोध्या का दौरा। सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचकर राम जन्मभूमि के दर्शन करेंगे। मंदिर विवाद पर सभी पक्षों से बातचीत करेंगे। राम मंदिर विवाद को सुलझाने के मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले श्री श्री रविशंकर। हिंदू मुस्लिम पक्षों से भी बातचीत की। श्री श्री रविशंकर और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात पर बोले विनय कटियार, कहा बातचीत की क्या संभावना, कहना कठिन। जमीन का बंटवारा हमें स्वीकार नहीं। श्री श्री रविशंकर और योगी आदित्यनाथ की मंदिर मुद्दे पर हुई मुलाकात पर बोले अखिलेश यादव, कहा मंदिर मुद्दे का हल निकले या नहीं, लेकिन जनता सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जरूर सम्मान करेगी। फिल्म पद्मावती पर यूपी सरकार ने चिंता जताई। केंद्र सरकार से कहा फिल्म की रिलीज के दिन यूपी में निकाय चुनाव की वोटों की गिनती होगी। अगले दिन मुसलमानों का त्योहार है, इसीलिए सिनेमाघरों को सुरक्षा नहीं दे सकते। राजस्थान के जोधपुर में करणी सेना ने 1 दिसंबर को पद्मावती के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया। करणी सेना के संयोजक ने कहा बेटी की तरह है दीपिका पादुकोण। बेंगलुरु में भी हिंदू युवा वाहिनी ने किया फिल्म पद्मावती के विरोध में प्रदर्शन। फिल्म पर लगाया जा रहा है इतिहास से छेड़छाड़ करने का आरोप। गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने जारी किया नया पोस्टर। गुजरात में 9 और 14 दिसंबर को चुनाव है। 18 दिसंबर को सबसे तेज नतीजे देखिए सिर्फ एबीपी न्यूज पर। गुजरात चुनाव में कांग्रेस में शामिल होने पर बोले दलित नेता जिग्नेश मेवाणी, कहा मैं किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं हूं। बीजेपी के गुजरात मॉडल को कहा छलावा। गुजरात में 22 साल से वापसी की राह देख रही कांग्रेस के लिए सूरत में मुस्लिम वोटरों ने खड़ी की मुश्किलें। पोस्टर लगाकर कहा मुस्लिम उम्मीदवार नहीं तो वोट भी नहीं मिलेगा। यूपी के सैफई में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का गुजरात चुनाव पर बड़ा बयान, कहा गुजरात जाकर लोगों से करेंगे कांग्रेस को वोट देने की अपील। हार्दिक पटेल की सीटी को लेकर बोले इसके पीछे बीजेपी है। यूपी में निकाय चुनाव के लिए सीएम योगी की देवरिया, आजमगढ़ और बस्ती में जनसभाएं आज। यूपी में 22, 26 और 29 नवंबर को 3 चरणों में चुनाव होंगे। 1 दिसंबर को आएंगे नतीजे। यूपी के बाराबंकी में राज्य सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान के सामने चेयरमैन पद की बीजेपी प्रत्याशी के पति ने मुस्लिम मतदाताओं को धमकाया, कहा वोट दोगे तो सुखी रहोगे, नहीं दोगे तो कष्ट झेलोगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का पीओके पर बयान, कहा पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी जो भारत को कब्जा करने देगा। पीएम मोदी का जलवा बरकरार, देश में लोकप्रिय नेता की सूची में पहले नंबर पर प्रधानमंत्री मोदी। अमेरिकी एजेंसी प्यू का सर्वे, राहुल गांधी दूसरे और सोनिया गांधी तीसरे नंबर पर। नेशनल प्रेस डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दी मीडिया कर्मियों को बधाई। स्वच्छ भारत मिशन में मीडिया के योगदान की तारीफ की। केजरीवाल सरकार पर आरटीआई से बड़ा खुलासा, साल 2015 के बाद से दिल्ली सरकार ने वसूला कुल 787 करोड़ रुपए का पर्यावरण टैक्स, लेकिन प्रदूषण के लिए उसमें से 1 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किए। दिल्ली में ऑड इवन लागू करने की मांग की अर्जी पर आज हो सकती है एनजीटी में सुनवाई। नई अर्जी में केजरीवाल सरकार ने कहा था कि टू व्हीलर और महिलाओं को छूट के साथ ऑड इवन पड़ोसी राज्यों में भी लागू होना चाहिए। राजधानी दिल्ली में आज प्रदूषण के स्तर में कमी आई है, आज विजिबिलिटी 800 मीटर, आने वाले दिनों में हालात और बेहतर होने की उम्मीद। दिल्ली में PM2 का स्तर आज घटकर 334 हुआ। फरीदाबाद में PM2.5 का स्तर 322, गुरुग्राम में 330, जबकि गाजियाबाद में PM2.5 अब भी सबसे ज्यादा 417 पर है। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने ट्विटर पर वीडियो किया पोस्ट, कहा प्रदूषण से जीतना है तो सबको मिलकर जिम्मेदारी समझनी होगी। यूपी की योगी सरकार वायु प्रदूषण पर जागी, राज्य में कृत्रिम बारिश के उपाय, कूड़ा जलाने पर रोक, सड़कों पर पानी का छिड़काव, किसानों को फसल जलाने से रोकने संबंधी समेत कई फैसले लिए गए। प्रद्युमन हत्याकांड में आरोपी कंडक्टर अशोक की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज। सीबीआई को कोर्ट ने जारी किया था नोटिस, सीबीआई को यह जवाब देना है। अशोक को मुख्य आरोपी बताते हुए जेल भेज दिया गया था। यूपी सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए लिया नया फैसला, परीक्षा के दौरान आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा। सरकार के फैसले को अभिभावकों ने मानसिक तनाव बढ़ाने वाला और जल्दबाजी में लिया गया फैसला बताया। यूपी के संभल में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी, 16 तमंचे और ड्रिल मशीन बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में बार बालाओं पर पैसा उड़ाते हुए कैमरे में कैद सिपाही चंद्रकेश भास्कर, वीडियो वायरल, जांच के आदेश। यूपी के कौशाम्बी में पुलिस वालों की अवैध वसूली के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, महिला से पैर पकड़कर माफी मांगने वाला वीडियो वायरल, जांच के आदेश। यूपी के उन्नाव जिले में चलती गाड़ी में महिला से रेप, बेहोशी की हालत में बाहर फेंका, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली के उस्मानपुर में नवी क्लास के छात्र की चाकू से गोदकर हत्या, स्कूल के बाहर कुछ लड़कों से हुआ था झगड़ा, आरोपियों की तलाश जारी। दिल्ली के माजरा डबास गांव में एटीएम कैश वैन को लूटने की कोशिश नाकाम, गोली लगने से गार्ड जख्मी, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। मुंबई में बुधवार की रात 2 अलग अलग हादसों में 1 की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल, कार चालक को हार्ट अटैक आने से हुआ एक हादसा।
चर्चित शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी मुखर्जी का आरोप, कहा पीटर मुखर्जी ने की शीना बोरा की हत्या। पीटर के 2012 से 2015 तक की कॉल डिटेल्स चेक करने की मांग की। गुजरात के सूरत में 500 के पुराने और 2000 के नए नोट के साथ युवक गिरफ्तार, 30 लाख से ज्यादा की करेंसी बरामद, विदेशी करेंसी भी जब्त की गई। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हाथियों के झुंड से परेशान किसान, 80 से ज्यादा हाथी फसल को नुकसान पहुंचाने के लिए गांव में घुस रहे हैं, वन विभाग की टीम उन्हें जंगल भगाने में जुटी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।